हाय गाइस, आज हम आए हैं सनी शिगनापुर मंदिर। इसके पहले वीडियो में हमने शिरडी का कवर किया था, साई दरबार। अब हम आज जा रहे हैं सनी शिगनापुर। ये रास्ते में हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है ये घूमने के लिए। देख सकते हैं आसपास खेत हैं, रोड भी अच्छी है। तो सनी शिगनापुर जो ये इसके लिए फेमस है, गन्ने के रस के लिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर बैल जो है वो गन्ने का रस निकालते हैं, और जगह देखेंगे तो मशीनों से निकलता है, लेकिन ये इसी चीज़ के लिए फेमस है। पूरे रास्ते में आपको बहुत ही ज़्यादा जगह आपको मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे आपको, थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह के बैल जो गन्ने का रस निकाल रहे हैं। इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे इसका पहले कवर किया, फिर हम लोगों ने इसका गन्ने का रस पिया, बहुत ही अच्छा था। देख सकते हैं किस तरह से निकलता है, और लोग भी यहाँ पर सब, रोड भी चलती रहती है। हम लोग भी देखिए एक गाड़ी करी थी, बहुत लोग थे मिलके, तो अपना एक ट्रैवलर थे, ट्रैवलर से हम लोगों ने कवर कर लिया। इसी के पास में थोड़ा सा खाने पीने का था, नारियल पानी था, खीरे थे, पानी, बच्चों के थोड़ा छोटा मोटा स्नैक्स थे। देख सकते हैं ये हाईवे पूरा चल रहा है, ये हाईवे परमानेंट चलता रहता है, इसीलिए यहाँ पर मतलब एक टूरिस्ट प्लेस है। इस चक्कर में सब आते जाते रहते हैं, और जो भी शिरडी जाता है वहाँ सनी शिगनापुर जरूर आता है। अब हम यहाँ से निकल लिए, आप लोग भी आए तो एक बार इसका ये सनी शिगनापुर आने में गन्ने का रस जो बैल के द्वारा निकाला जाता है उसको कवर करें। अब ये जो गेट है, यहाँ पर 5 रुपये शिगनापुर जाने के एंट्री के लगते हैं, जो ग्राम पंचायत लेती है इसकी देख रेख के लिए। हम अब मंदिर आ गए हैं, ये देख सकते हैं, ये है गेट, इसका मेन गेट मंदिर का लिखा हुआ है श्री शनिश्चराय सनी शिगनापुर। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, भीड़ बहुत है। ये अब नया बन रहा है वहीं पास में ही, ये देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये पत्ते लिए थे, नारियल लिया था, तेल लिया, तिल लिया, सब पूरी डलिया ली थी, फिर लाइन से यहाँ पे इकट्ठे चढ़ा दिए जाते हैं। एक साइड पत्ते रखे जाते हैं, एक साइड नारियल रखा जाता है, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मतलब सनी जी का जो मूर्ति है, पत्थर है, उनके ऊपर से चढ़ाया जाए, सब अलग अलग रखा जाता है। ये जो काले धागे होते हैं कपड़े के, ये सब भी वहीं पर एक पेटी में डलवा दिया जाता है। अब ऐसे सब लोग डालेंगे तो मंदिर भी गंदा हो जाएगा, इसलिए इसकी साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। आप लोग भी देख सकते हैं कितनी साफ सफाई है इसमें। अब आगे सब लोग लाइन से चलते हुए आगे जा रहे हैं सब लोग। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, आप लोग भी एक बार यहाँ पर जरूर आए। ये लाइन लगी हुई है शिरडी जाने के बाद में, जितने भी लोग जाते हैं मोस्टली सब यहीं पर आते जरूर हैं। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ये जो लाइन है यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है। अभी जो तेल है जहाँ पर तेल चढ़ाया जा रहा है, इसी तेल से क्या होता है कि आगे नीचे एक पाइप लगा दिया गया, जितने लोग भी ये तेल चढ़ाते हैं, ये पूरा ही तेल जो शनि जी का जो मूर्ति बनी हुई है उनके ऊपर अपने आप पाइप के द्वारा चला जाता है। इतने सारे लोग तो एकदम तेल जाके चढ़ा नहीं सकते। ये देख लीजिए तेल है सब यहीं चढ़ा रहे हैं, और यहीं पर जितने भी पाइप, जो पाइप लगा हुआ किनारे, उसी पाइप से पूरा का पूरा तेल उधर उनकी मूर्ति पर चला जाता है। सब काले तिल भी डाले जाते हैं, फूल हैं, लोग तिल का तेल डाल रहे हैं, लेकिन सरसों का तेल ज़्यादा इसमें मान होता है, चढ़ा रहे हैं उनके ऊपर, ये देख सकते हैं।
कहाँ चढ़ाया? ये है देखिए, छोटा सा मटका रखा हुआ है, घर टाइप का। ये पत्थर है जिनको उनकी मूर्ति दिखाई गई है, श्री ओम सम शनिश्चराय नमः। और जो लोग ऊपर से देखिए तेल चढ़ा रहे हैं भगवान को, ये लोग पेड़ वाले होते हैं जो अपनी मन्नत लेके आते हैं, और कुछ रुपए का इनका टिकट कटता है। वो लोग, उन लोगों को अलग से लाइन लगती है, वो लोग अपना जा करके खुद चढ़ा सकते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल ओपन एरिया में इनकी मूर्ति रखी हुई है, इसलिए सबको दर्शन बहुत ही आराम से हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत ही शांति मिलती है। ये देख सकते हैं, आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं। अब हम आगे इसी के सामने जो मंदिर बना हुआ है छोटा सा, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं सबके दर्शन करते हुए। फूल मिलते हैं तो यहाँ पर लोग फूल चढ़ाते जाते हैं, और जो शनि जी की जो फोटो है शनि देव जी की, उस पर तिल चढ़ा दिया जाता है, तिल चढ़ा दिए जाते हैं। यहाँ पर इनका पूजन हो रहा था, पंडित जी पूजन करा रहे थे, इनका शनि भारी होता है। अब हम आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे गौरी हवन कुंड है, यहाँ पर हवन होता है। यहाँ पे लोग अपनी अगरबत्ती है, फूल है, धूप है, सब जला देते हैं, हवन होता है यहाँ पर। नारियल भी लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन नारियल तो वहीं पर रखना होता है। यहाँ पे परमानेंट ये जलता रहता है। अब सब कुछ तो शनि जी देव की मूर्ति के पास नहीं बचा सकता ना, नारियल पत्ते ये सबका अलग अलग बना दिया गया है, अलग अलग चढ़ाएं सब। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सीके, यहाँ पे डोनेशन काउंटर था, ब्लड डोनेशन डोनेट हो रहा था, जो लोग भी देना चाहते थे वो दे रहे थे। देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर, बहुत बड़े उसमें बना हुआ है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रसाद मिल रहा था सामने, 20 रुपये दे करके आप प्रसाद ले सकते थे। प्रसाद हम लोगों ने भी लिया था, बहुत ही अच्छा प्रसाद था। ये देख सकते हैं, एक बार हम आपको और दिखा रहे हैं, यहाँ पर ब्लड बैंक का डोनेशन का काम चल रहा था, लोग आते हैं, कैंप लगा हुआ था, जो लोग भी देना चाहते हैं देते हैं, और देना भी एक अच्छी चीज़ होती है। ये हम आपको आगे दिखा रहे हैं, आपको फिर से हमने एक बार आपको दोबारा से दिखाया। बहुत ही साफ सफाई है, अच्छा है, बहुत ही शांत, किसी भी मंदिर में जाएंगे शांति तो मिलती ही है। ये लिखा हुआ है ऊपर, बर्फी प्रसाद बिक्री, यहाँ 20 रुपये दे करके आप प्रसाद ले सकते हैं। जो प्रसाद है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ही ज़्यादा मीठा हो या कैसा हो, बर्फी भी गरी मिली हुई होती है उसमें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और 20 रुपये के हिसाब से अच्छी तरह से भी दे रहे थे, पैक मिलता है पन्नी में। अब हम आगे बढ़ते हुए, लोग डोनेशन जो करते हैं अपना, उस हिसाब से अपना लोग, कुछ लोग डोनेट भी कर देते हैं, दान कर देते हैं पैसों को। ये आगे बढ़ते हुए देखिए मंदिर बन रहा है, और भी बन रहा है, बहुत बड़े एरिया में ये मंदिर बना हुआ है। बाहर निकलते हुए देख सकते हैं आप, यहाँ पर भंडारा भी चलता है खाने के लिए, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा था, इस चक्कर में हम लोग नहीं रुक पाए थे वहाँ पर। ये बाहर से दिखा रहे हैं आपको, पार्किंग भी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत बड़ा एरिया है, ओपन एरिया है, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आपको दोबारा से हम बाहर के दिखा रहे हैं, दुकानें लगी हुई हैं, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर, बस थोड़ी सी आपको बार्गेनिंग जरूर करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि कुछ जो शॉप है यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा महंगी देते हैं। वही तेल आपको कुछ शॉप में महंगा मिलेगा, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहीं पर आपको सस्ता मिल जाएगा। यहाँ पर फिर उन्होंने आगे आकर के थोड़ा सा, यहाँ रुके थे रेस्टोरेंट में, हम लोग रुके, यहाँ पर खाना खाया हम लोगों ने, यहाँ का भी टेस्ट बहुत अच्छा था।
एरिया बहुत अच्छा, ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, ये प्लांट्स जो लगा रखे हैं छोटे छोटे वो बहुत अच्छे लगे हम लोगों को। चारों तरफ बिल्कुल हरियाली थी। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बार होटल ढाबा सा जो था उसके बाहर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बना हुआ था, ये देख सकते हैं, गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पर झरना चलता है लेकिन वो चल नहीं रहा था अभी, फव्वारा टाइप का, और यह बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। वो सब अब हम लोग निकल चुके थे यहाँ से, होटल जीवन प्रीत था यहाँ पे होटल। ये हमारी ट्रैवलर स्टार्ट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल रवदीप सक्सेना ब्लॉग्स। थैंक यू।